नारी का स्थान समाज में सबसे अलग है क्योंकि वो माँ, बहन, बेटी और पत्नी समेत कई रूपों में पहचानी जाती है। मातृशक्ति की इस महिमा को हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए समाज सेवी पंखुड़ी ने इंदौर नारी को डेडिकेट एक रैप सॉन्ग लॉन्च किया है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जनता के सामने पेश किया और महिलाओं को समर्पित किया गया। देखिए इसी पर ये खास रिपोर्ट। इंदौर नारी को समर्पित रैप सॉन्ग लॉन्च, गाना गाकर महिलाओं को दिया खास संदेश। महिला समाज सेवी पंखुड़ी की अनोखी पहल, नारी की महिमा को बताने का अलग तरीका। दरअसल माइक ऑर्गेनाइजेशन ने 5 मार्च रविवार को ट्रेजर आइलैंड मॉल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। इस अवसर पर नारी सशक्तिकरण विषय पर एक पैनल डिस्कशन भी रखा गया। ट्रेजर आइलैंड मॉल में होने वाले इस भव्य कार्यक्रम में समाज सेवी पंखुड़ी के गाय रैप सॉन्ग की लॉन्चिंग भी की गई, जिसमें महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी नारी शक्ति की महिमा से रूबरू कराया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर माला सिंह ठाकुर मौजूद रही, जिन्होंने महिला उत्पीड़न पर ध्यान आकर्षित किया। नारी के माध्यम से पूरे समाज में एक जागरण का काम किया है। आज के समय में जब हम देखते हैं कि बहुत अलग प्रकार से हम सोच रहे हैं कि लड़कियां जो है जेट चला रही हैं, रक्षा क्षेत्र में जा रही हैं, सेना में भी लड़कियां हैं, हर क्षेत्र में जो है लड़कियां और महिलाएं हैं, ऐसे समय में ऐसा ध्यान में आता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहां हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ चीज़ों को लेकर के आत्ममुग्ध हो गए हैं। एक तबका ऐसा भी है जो कहीं तो भी दबा हुआ है, कहीं तो भी बहुत सारी यातनाओं को सहन कर रहा है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हमारे समाज में हैं जो हमें लगता है कि हम जैसे लोग जो मिडिल क्लास फैमिली, अपर मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, वहाँ वो सब चीज़ें नहीं हैं। आज बहुत बेहतर ढंग से महिलाएं अपना जीवन यापन कर रही हैं, लेकिन जब हम बहुत बस्ती के क्षेत्रों में जाते हैं या इस प्रकार के किसी क्षेत्र में जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको महिलाएं फील कर रही हैं, महसूस कर रही हैं। बहुत सारे आंकड़ों के बारे में भूमि ने भी यहाँ पर बताया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि विगत 5 वर्षों में महिलाओं पर होने वाली जो यातनाएं हैं उसका प्रतिशत लगातार बढ़ा है, चाहे वो सामाजिक यातना हो या मानसिक प्रताड़ना हो, यौन प्रताड़ना, ऐसी किसी भी तरीके की जो प्रताड़ना का जब हम प्रतिशत देखते हैं तो वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अरे आचरण में कैसे ये चीज़ें आ सकती हैं, हमारे व्यवहार का हिस्सा ये चीज़ें कैसे बन सकती हैं? मेरे, आपके और हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम जैसे सबल सक्षम लोग जो समाज में अपनी एक पकड़ रखते हैं, कैसे हम उन बहनों के लिए हथियार के रूप में काम कर सकते हैं जिन्हें कुछ कानूनों की जानकारी नहीं है, जिन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम बाहर हमारे ऊपर कोई उत्पीड़न हुआ है उसको लेकर के अगर समाज के बीच में जाएंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? अगर कोई लड़की महाविद्यालय में पढ़ने जाती वो 50 बार सोचती है। इस भव्य कार्यक्रम में गायक पंखुड़ी ने रैप सॉन्ग लॉन्च करने को लेकर अपनी मंशा जाहिर की है, तो वहीं माइक ऑर्गेनाइजेशन की कोऑर्डिनेटर रूपांशी श्रीवास्तव ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। मुझे विचार इसलिए आया कि जो हम देख रहे थे हमारे सोसाइटी में आसपास जो हो रहा है, दिन प्रतिदिन जो विमेन हैं उनके साथ में एट्रोसिटीज़ बढ़ रही है, अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, कभी मर्डर हो रहा है, कभी एसिड अटैक हो रहा है, और आप देखो हर दिन एक न्यूज़ आती है और हर 10 में से 5 महिलाएं हैं किसी न किसी तरह से किसी न किसी एट्रोसिटी की शिकार हुई हैं। तो ये चीज़ें मुझे हमेशा ही मेरे एक कोर में जुड़ी हुई थी और जो मैं देखते आ रही हूँ, बचपन से बहुत सारी चीज़ें देखी और उसके अलावा भी समाज में जो घटनाएं घट रही हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा अपील कर रही थी कि एक बुलंद आवाज़ इसके खिलाफ होनी चाहिए और इस पर एक संवाद होना चाहिए, एक बातचीत होनी चाहिए कि क्यों ये जो है एट्रोसिटीज़ जो विमेन हैं वो हर समुदाय में क्यों इतना ज़्यादा पीड़ित हैं, तो इस पर एक बातचीत समाज को करने की बहुत ज़रूरत है। और अभी के जो सिनेरियो में हम देखते हैं, जो
हम देख रहे हैं पॉलिटिक्स के ज़रिए या किसी भी तरह से, कभी हम डाइवर्ट हो जाते हैं पॉलिटिक्स में, कभी हम डाइवर्ट हो जाते हैं रिलीजन में, लेकिन सीधे मुद्दे की बातें नहीं हो पाती। सीधे ये बात नहीं हो पाती है कि ये जो औरत है ये पूरी दुनिया में इतनी शोषित क्यों है। आपका ये जो सॉन्ग लॉन्च हो रहा है, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज जो यंग वुमेन को आप देना चाहती हैं वो क्या है? मैं यंग वुमेन को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आप को तैयार करना बहुत ज़रूरी है, और तैयारी से मतलब जब होता है वो सबसे ज़्यादा नॉलेज बढ़ाना, आपकी जो एजुकेशन है, एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अगर एजुकेटेड हैं तो आपको कोई भी चीज़ जो है आपको इफ़ेक्ट नहीं कर सकती है। जो कहा जाता है, जिसको लेकर राजनीति होती है, बहुत सारी बातें होती हैं कि लड़कियां समझती नहीं हैं, लड़कियों को हर कोई आज गाइड करना चाहता है ना, हर कोई बताता है आपको ऐसे कपड़े पहनना है, आपको इससे शादी करना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है, ये क्यों हो रहा है? जिस दिन जो है हमारी यंग जनरेशन की लड़कियां या सारी जो लड़कियां हैं वो तैयार हो जाएंगी, नॉलेज रखेंगी, अगर वो एजुकेटेड होंगी तो उन्हें किसी कोई दूसरे लोग गाइड नहीं कर सकते, कोई डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं, वो खुद अपने फ़ैसले लेंगे, और हमें अपने फ़ैसले खुद लेने के लिए तैयार होना है। ये बात मुझे लगता है, मुझे क्या क्या फॉलो करना है ये मेरी जो है चीज़ें होनी चाहिए, मेरी मर्ज़ी होनी चाहिए, मुझे किस तरह के कपड़े पहनना है ये मेरी मर्ज़ी होना चाहिए, है ना, ये कोई और नहीं डिसाइड करेगा, ये मैं खुद डिसाइड करूँगी। देखिए, इंटरनेशनल वुमेंस डे का टाइम है एंड काफ़ी लोग एक प्रोग्राम प्लान करते हैं, अरेंज करते हैं, मैनेज करते हैं, बट इस बार हम सभी का ये सोचना था कि इंदौर में कुछ ऐसा भी होना चाहिए जो हमेशा से हम एक साल से देखते हुए आ रहे हैं। आपने बहुत सारे केसेस देखे जो एक साल में हम महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड हो, चाहे वो वुमेन क्राइम रिलेटेड हो, चाहे वो LGBT कम्युनिटी का राइट्स हो, चाहे वो जेंडर इक्वलिटी की बात हो। समानता का अधिकार तो हम सबके पास ही है, वो समानता है भी, लेकिन एक राइट समझने की चीज़, एक अंदर से समझने की चीज़, जो एक साल से चीज़ें देखते आ रहे हैं, वो सारी चीज़ों के लिए आज हम ये इवेंट कर रहे हैं। हमारे आज इवेंट में संवाद होने वाला है, एक पहला स्टेप लिया जा रहा है कि हमें ये समझने की ज़रूरत है एज एन इंदौर नारी, हमारे क्या खुद के राइट्स हैं और उसके साथ साथ हमारी क्या है। हम यहाँ पे पुरुषों से, हर एक पर्सन से, यहाँ की ऑडियंस से TI मॉल में पूछने वाले हैं, और हम उस चीज़ को लेके जो आज बुद्धिजीवी लोग, महान लोग, जो ऑनरेबल लोग हैं, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि तमाम इंदौर से हैं, वो सब हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं एंड हम उनके साथ मिलके ये एक ऐसा इवेंट कर रहे हैं जहाँ पे वो अपनी बात को हम सबके सामने रखेंगे। ये डिस्कशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसी के साथ प्रेस्टिज हमारे साथ जुड़ा है, MP न्यूज़ जुड़ा है हमारे साथ, ओरिएंटल यूनिवर्सिटी जुड़ा है, नी फाउंडेशन जुड़ा है हमारे साथ, बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हैं, TI मॉल ने हमें सपोर्ट किया, सिर्फ ये चीज़ के लिए कि इस कदम के लिए कि हमें आगे बढ़ना चाहिए और इसके लिए करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप सभी के सपोर्ट से आज हम ये कर पा रहे हैं, और इसके साथ साथ हम आगे कोशिश करेंगे कि एक बहुत अच्छा, एक खूबसूरत दुनिया बनाए, और यहाँ पे इसका उद्घाटन करें। इस अनूठे आयोजन में कई ख्यात चेहरों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और जिन्होंने महिलाओं के सम्मान की बात कही। वहीं MP न्यूज इस खास कार्यक्रम का मीडिया पार्टनर था। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज इंदौर।